हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीमैट के बारे में, लाइक व्हाट इज जीमैट, जीमैट का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम क्यों और किसके थ्रू कंडक्ट करवाया था, इसका मोटिव क्या है। अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो इस एग्जाम को देने से आपको कितनी यूनिवर्सिटीज में और किन किन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, तो ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले देखते हैं कि जीमैट का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस, जीमैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप लोगों का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे जीमैट के थ्रू, यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल के थ्रू आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब गाइस, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस एग्जाम को देने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो 7000 प्लस प्रोग्राम्स है जिसके लिए आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो इन मोर देन 2400 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि गाइस, यहाँ पे 2400 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे इंडिया में, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो सिंपली जीमैट के स्कोर के बेसिस पे। तो गाइस, आपको बता दो, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट से तो ही अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी हो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जीमैट के स्कोर करके बेसिस पे से आप लोगों को 2400 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट कॉलेजेस है अराउंड द वर्ल्ड जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है सिंपली इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे। और प्रोग्राम्स की बात करें तो 7000 प्लस प्रोग्राम्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है यहाँ पे जीमैट के थ्रू। आप लोगों को यहाँ पे जो है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2400 प्लस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब एंड 7000 प्लस प्रोग्राम्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे जीमैट की तो डिटेल्स आपको बता दें, अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न के बारे में ताकि आपको जो एक रफ आइडिया हो जाए। तो एग्जाम पैटर्न की बात किया तो गाइस, आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा और टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, 3 hours 30 minutes के ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे गाइस, अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, लाइक डिटेल एग्जाम पैटर्न चाहिए, सिलेबस के ऊपर चाहिए, एप्लीकेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ज्यादा कमेंट्स रहेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को जो अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की। तो यहाँ पे नेशनलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई भी नेशनलिटी हो आपकी, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट रहने चाहिए तो आप लोग एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 18 years आपके कंप्लीट रहने चाहिए तो आप लोग एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। और बात की जाए कि आप कितनी बार एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस, तो ये सारी चीजें भी जो है अभी आगे और डिटेल वीडियो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो है मैं अपलोड करूंगा बाद में, उसमें आपको डिटेल एलिजिबिलिटी पूरी एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और डिटेल वीडियो जैसे किसी भी टॉपिक का मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफाई किया जा सके। एंड नाउ आई होप आप लोगों को जो जीमैट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। इनकेस कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।